दिल्ली के एमएलए मनजिंदर सिरसा एनडीए सरकार की समर्थक शिरोमणि अकाली दल पार्टी के मेंबर हैं। उन्होंने हाल में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में ट्वीट करा। फोटो में नेहरू जी से गले मिलते हुए एक जवान महिला दिख रही हैं। इस ट्वीट में फोटो के साथ सिरसा जी ने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक आर्टिकल भी जोड़ा हुआ है। दोनों छवि का मुकाबला करते हुए उन्होंने लिखा कि नेहरू तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हीरो हैं, परंतु सुभाष चंद्र बोस भारत के असली हीरो हैं। चलिए इस फोटो की सच्चाई जानें। ऑल्ट न्यूज को असली वीडियो फिल्म मिली एक पुराने ब्रिटिश टेलीविजन कंपनी के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में पंडित नेहरू 1955 में लंदन एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पे उनका स्वागत करने अन्य लोगों में शामिल हैं उनकी बहन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो उस समय विलायत में राजदूत थी। उनके साथ उनकी बेटी और नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल भी हैं। जो महिला पीछे से नेहरू को गले मिल रही हैं, वो उनकी भांजी ही हैं। वीडियो में पास खड़े नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भी दिखाई दे रही हैं। अब एक और छवि देखें, जो फेसबुक ग्रुप वी सपोर्ट पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करी है और 600 बार से अधिक ये शेयर हो चुकी है। इस फोटो का कैप्शन है, आजादी की लड़ाई लड़ते नेहरू चाचा। और अब इस फोटो को देखिए, जो लंदन के हैम्पस्टेड थिएटर की वेबसाइट से ली गई है। जैसे आप देख सकते हैं, ये नेहरू जी हैं ही नहीं, बल्कि ड्रॉइंग द लाइन नाटक में साइलस कार्सन नाम के विलायती अभिनेता हैं और उनके साथ हैं अभिनेत्री लूसी ब्लैक। भारत के पहले प्रधानमंत्री को अक्सर चरित्र हनन का निशाना बनाया जाता है ऐसी फोटोज के साथ, जो दर्शकों को गुमराह करती हैं। ऑल्ट न्यूज ने एक वीडियो भी बनाकर छापा है, जिसमें इस प्रकार के कई और उदाहरण भी दिखते हैं। आप ऑल्ट न्यूज के वीडियो को जरूर देखिए। तस्वीरें बहुत आसानी से अलग अलग रूप में प्रकट करी जा सकती हैं और साथ साथ प्रचार प्रसार भी बदला जा सकता है। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट, फॉरवर्ड या अफवाह आपको जज्बाती लगे, तो कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें, ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।